हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शरद चंद अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से मैं अपने चैनल में घर बैठे बैठे स्पेनिश गिटार सीखने के वीडियो डालना शुरू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला वीडियो आज का मैं बना रहा हूं कि गिटार की ट्यूनिंग कैसे की जाती है। अब देखिए, गिटार में 6 स्ट्रिंग होती है। हर स्ट्रिंग का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रिंग क्या है। तो पहले नीचे से ऊपर चलते हैं। पहली स्ट्रिंग है ई, दूसरी है बी, तीसरी जी, चौथी डी, पांचवी ए, छठी ई। ठीक, ये स्ट्रिंग से नीचे से ई बी जी डी ए ई, इनको याद करने के लिए एक सेंटेंस याद कर लीजिए। एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट ले लीजिए, तो ई बी जी डी ए ई ये बन जाएगा। ये याद कर लीजिए आप। अब आपको गिटार को ट्यून करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो ये कि आप किसी ट्यूनर ऐप से इसको ट्यून कर लीजिए। दूसरा तरीका ये कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मिलवा लीजिए, जैसे हारमोनियम है, पियानो अकॉर्डियन है, या आपका कैसियो है, वहां से मिलवा लीजिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्यूनर ऐप से आप कैसे इसको मिलाएंगे। तो ट्यूनर ऐप के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर के गिटार ट्यूनर ऐप सर्च करिएगा, उसमें गिटार ट्यूनर एक ऐप मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब उसको ओपन करेंगे तो इस तरह की फिगर बन के आएगी, इस तरह का स्क्रीन बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें से ट्यून करना है। कैसे ट्यून करेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने ई स्ट्रिंग को मिलाया, ई स्ट्रिंग को आपको मिलाना है, तो ई स्ट्रिंग जैसे बजाएंगे तो देखिए ये जो यहां बना हुआ है इसमें ई वाले पे इस पर व्हाइट व्हाइट स्पॉट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो सा आप स्ट्रिंग बजाएंगे उस स्ट्रिंग पे ये व्हाइट ब्लिंक करने लगेगा और उस पर नंबर आ जाएगा ई है कि बी है कि जी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको ये ऊपर ये ऑटो और मैनुअल लिखा है तो उसको टच करके मैनुअल कर दीजिएगा। अब इसमें देखिए इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है। अगर माइनस आ रहा है तो इसके अंदर तार को थोड़ा टाइट करना है, प्लस आ रहा है तो तार को थोड़ा लूज करना है। अब आपको ट्यून करके दिखाते हैं कैसे होगा ये। जब ये ट्यून हो जाएगा, जैसे ये ट्यून हो गया तो ये ग्रीन लाइन बन के आ जाएगी और क्लिक की आवाज आएगी। ठीक, अब दूसरी स्ट्रिंग करेंगे बी, बी पे जैसे क्लिक बी वाला बजाएंगे तो बी पे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। देखिए बी, ठीक, अब इसको वैसे ही टाइट कर लेंगे। अभी माइनस 10, माइनस 8, माइनस 4, ये मिल गया। ठीक, अब आप तीसरी स्ट्रिंग बुलाएंगे जी। देखिए तीसरी स्ट्रिंग को ब्लिंक कर रहा है जी। ठीक है, अब इसको भी ऐसे मिला लेंगे। देखिए मिल गया जी। ठीक, अब चौथी स्ट्रिंग में डी इसको मिलाना है। अब देखिए जब डी वाला करेंगे तो ये देखिए डी पे ब्लिंक करना शुरू करेगा ये। ठीक, अब इसको मिला लेंगे। ये डी मिल गया हमारा। ठीक है, अब आपको मिलाना है पांचवी स्ट्रिंग ए। देखिए जैसे आप ये स्पेस बजाएंगे तो ये ब्लिंक करेगा ए पे, पांचवी स्ट्रिंग ए, इसको भी मिला लेंगे। ठीक, अब लास्ट स्ट्रिंग है ई, इसको मिलाना है। जैसे लास्ट स्ट्रिंग पे बजाएंगे ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक,
ये लास्ट वाला हमने ई स्ट्रिंग थी, ये भी टैली हो गया हमारा, मिल गया ठीक। इसका मतलब कि हमने ट्यूनर ऐप से गिटार को मिला लिया। अब आपको क्या करना है, तो हमने मिला लिया सर जी। अब मान लीजिए कि आपके पास ट्यूनर ऐप नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? अगर ट्यूनर ऐप आपके पास नहीं है, अभी जैसे गिटार में मिला लिया हमने, ठीक। अब ट्यूनर ऐप नहीं तो कैसे मिलाएंगे? किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हारमोनियम है, पियानो अकॉर्डियन है, कैसियो है, उसके ई नोटेशन से पहली स्ट्रिंग ई को मिलाना है, ठीक। अब हारमोनियम या कैसियो या पियानो अकॉर्डियन में ई नोटेशन कहाँ पे आ गया आपको मैं बता देता हूँ। ये हारमोनियम है, ये मंद सप्तक है, ये मध्य सप्तक है, ये तार सप्तक है। हर सप्तक का पहला काला, ये फर्स्ट ब्लैक, ये सी शार्प होता है, ठीक है। उसके बाद डी, फिर डी शार्प, फिर ई, क्योंकि हम मध्य सप्तक से मिलाते हैं। तो आप ये दिमाग में रखिए कि ये मध्य सप्तक का पहला काला या फर्स्ट ब्लैक सी शार्प, ये डी, डी शार्प, ये ई, यानी आपको यहां से मिलाना है मध्य सप्तक के दूसरे काले के बाद जो पहला स्वर आता है, ये ई नोटेशन है, ठीक है। तो चेक करते हैं मिलना नहीं मिलना नहीं। स्टैंडर्ड नोटेशन से मिला हुआ, इसलिए मिल रहा है। अब मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि हारमोनियम में अगला स्ट्रिंग कहां से मिलाया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कैसे ट्यून हो सकता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे मान लीजिए दूसरी स्ट्रिंग है बी, बी को हमको ई से मिलाना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बी स्ट्रिंग में ई नोटेशन कहां पे आता है। अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे सरगम होती है सारे गामा पाधा नीसा, उसमें गामा और नीसा पास पास आता है, वैसे इसमें गिटार में आपको ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें बी सी और ई एफ पास पास आता है, ठीक। अब बी स्ट्रिंग में बी के बाद क्या होता है, सी होता है, तो ये देखिए बी के बाद सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, यानी पांचवें खाने में ये ई आ रहा है। अब ये जो ये मेटल के लगे हुए, इसको बोलते हैं फ्रेट्स, और ये आपका फ्रेट बोर्ड, आप ये कह सकते हैं पहला फ्रेट, दूसरा फ्रेट, तीसरा फ्रेट, चौथा फ्रेट, पांचवा फ्रेट, यानी फिफ्थ फ्रेट पे या पांचवें खाने पे ये आपको अगर दबाएंगे तो ये ई हो जाएगा। अब इससे मिलाना है, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी मिला रखा है तो ट्यून हो रहा है। मान लीजिए ना मिला हो तो क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा ढीला करके चेक कर लेते हैं। हमने थोड़ा ढीला कर दिया, हम नहीं मिल रहे, ठीक, स्वर बदल गया इसका, तो फिर इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, मिल गया, ठीक। इसी तरह से अब आपको तीसरी स्ट्रिंग क्या है, जी, जी को मिलाना है बी से, तो जी स्ट्रिंग पे बी कहां पे आएगा, जी के बाद क्या होगा, जी के बाद जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, यानी चौथे फ्रेट पे अगर आप यहां दबा लेंगे तो ये आपका बी हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब जैसे मान ये भी नहीं मिल रहा है तो फिर इसको ढीला कर लिया आपने, अब फिर टैली करना शुरू करा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये दिमाग में बैठ जाए कि कैसे स्वर को चढ़ाना है, कैसे स्वर को उतारना है। जब दोनों की आवाज एक जैसे आने लगे तब समझ लीजिए आपका तार मिल गया, ठीक है। अभी नहीं मिला, ठीक है। जब धीरे धीरे करते हैं आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहां कैसा और चलेगा, ये
चौथी स्ट्रिंग क्या है, डी, डी को मिलाना है जी से, तो डी पे जी कहाँ आएगा, डी के बाद डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी, अभी मिला हुआ है, अगर नहीं मिला होता तो इसको भी ऐसे ट्यूनिंग की को टाइट करके लूज करके मिला लेते। पांचवा स्ट्रिंग क्या है, ए, ए को मिलाना है हमको डी से, तो ए पे डी कहाँ आएगा, ए के बाद ए शार्प बी सी सी शार्प डी, फिर पांचवे फ्रेट पे आएगा, ठीक है, ये नहीं मिला होगा इसको भी आप ऐसे ढीला और टाइट करके मिला लेंगे। छठी स्ट्रिंग है ई, लास्ट स्ट्रिंग, ई को मिलाना ए से, तो ई पे ए कहाँ पे आएगा, ई के बाद एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए, भी पांचवे फ्रेट पे आएगा, ये मिला हुआ है, ठीक। तो अब आपको मैंने ये इतना डिटेल इसलिए समझाया कि मान लीजिए कोई आपसे सवाल कर दे कि आपने दूसरे तार को यहां से क्यों मिलाया, तो आपको पता होना चाहिए मैं क्यों मिला रहे हैं, आप उसको बता देंगे कि बी स्ट्रिंग है और यहाँ पर ये ई हमको ईट से मिलाना है, तो हमको ई देखना कहाँ पे आ रहा है, तो बी के बाद सी सी शार्प डी डी शार्प ई, इसलिए हम यहाँ से मिला रहे हैं। अब वो कहेगा कि तीसरा स्ट्रिंग आप यहाँ से क्यों मिला रहे हैं, तो तीसरा स्ट्रिंग हमारा होता है जी, जी को मिलाना है बी से, तो यहाँ पे जी के बाद जी शार्प ए ए शार्प बी, इसलिए यहाँ से मिला रहे हैं। इसी तरह हर तार को मिलाने का लॉजिक आपके पास मौजूद है, आप उसको आराम से बता सकते हैं कि हम यहाँ से इसलिए मिला रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। और अब आगे इसमें क्या होना है कि जैसे कॉर्ड क्या होते हैं, कितने कॉर्ड होते हैं, मेजर कॉर्ड क्या है, माइनर कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ग्रुप कैसे होता है, कॉर्ड बनता कैसे है, रिदम कैसे बजती है, उनकी सरगम कैसे होती है, ये सारी चीजें मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा और आप घर बैठे बैठे बहुत आराम से गिटार को सीख सकते हैं, ठीक है। और आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि किस तरह के वीडियोस आपको और हम बना के भेजें जिससे आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।